हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। आप देख सकते हो कि अगर आपकी साइकिल ऐसे पार्किंग लॉट में है तो आप ऐसा साइकिल कवर ले सकते हो। ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि आप देख सकते हो कि बाकी की साइकिल्स यहाँ पे पूरा डस्ट से भरी हुई है, लेकिन आयुष की साइकिल आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो ये ऐसा कवर आपके साइकिल को प्रोटेक्ट कर सकता है और ये साइकिल मेंटेन रखने के लिए भी यूजफुल होता है। सो दिस इज द नीट एंड क्लीन साइकिल एंड दिस इज द अदर साइकिल्स यहाँ पे रखी हुई। फर्क पे कितनी डस्ट बैठी हुई है आप देख सकते हो। आज का वीडियो जो स्पेसिफिक है एक साइकिल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू किड्स। किड्स बहुत ही रफ साइकिल चलाते हैं और ऐसे सारे सिचुएशंस में उनकी साइकिल बहुत बार गिरती है। तो ब्रेक डैमेज होना, गियर्स डैमेज होना, पेडल डैमेज होना, बहुत सारी चीज़ें हर बार मेंटेनेंस को आती है। आयुष, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है साइकिल के साथ तुम्हारे? जब मैं साइकिल चलाना था तो साइकिल से अचानक ये जो पेडल होता है जिस पे मैं पैर रख के साइकिल चलाता हूँ वो अचानक से स्लिप हो गया, तो ये अलग ही हो गया साइकिल से। इसके वजह से पूरा इधर भी घिस गया, उसका स्क्रू किधर गया है वो भी मुझे पता नहीं है। सो, जैसे मैंने बोला कि किड्स के साइकिल के साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहते हैं, वेयर एंड टेयर वाली चीज़ें। तो इस बार इसका पेडल निकल गया है एंड राइट नाउ दिस वीडियो इज़ वेरी मच इन्फॉर्मेटिव इन टर्म्स ऑफ हाउ टू इंस्टॉल द पेडल। तो यहाँ से निकलेंगे हम बाइक शार्क के लिए और वहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कैसे होता है पूरा पेडल का वो भी चेक कर लेंगे। डिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो, हेलमेट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयुष ने भी हेलमेट पहन लिया है एंड मेक श्योर अगर आप किड के साथ राइड कर रहे हो तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है। बहुत सारी गाड़ियाँ आजू बाजू से जाती रहती है, बेटर मैं उसके पीछे रहता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करता रहूँगा रादर दैन आई एम लीडिंग द राइड। तो बेटर है जंक्शन पे उतर ही जाओ। कुछ नहीं उड़ा लेता बट तो ये अभी अभी एक पत्थर उड़ के गिर गया। तो अभी हम पहुंच गए बाइक शार्क और मेरे घर से बाइक शार्क हार्डली 1.7 किलोमीटर्स दूर है, इसलिए मैं आयुष को साथ में लेके आया उसके साइकिल के साथ। लेकिन आप देख सकते हो कि कितने बहुत सारा ट्रैफिक था और ऐसे ट्रैफिक में किड्स के साथ साइकिलिंग करना उतना ही थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप खुद को संभालोगे या उसको संभालोगे। सो प्लीज़ अवॉइड साइकिलिंग इन ट्रैफिक। अगर आपको साइकिलिंग करनी हो तो सुबह गोराई साइड या ऐसे जगह पर जाना जहाँ पर बहुत ही लेस ट्रैफिक हो, अर्ली मॉर्निंग जाना। तो आयुष, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा रोड पे साइकिल चलाने का? अच्छा रहा। डर गया था थोड़ा? थोड़ा डर गया था बीच बीच में, जब क्रॉसिंग्स आते थे, जंक्शन आते थे, पर तभी भी अच्छा लगा करने में साइकिल। चलो, सो ही इज आल्सो लर्निंग गुड पार्ट। सो साइकिल जा रही अंदर सर्विसिंग सेंटर में, और ये शॉप का बहुत ही एक बढ़िया फीचर मुझे लगता है, पहले तो सर्विसिंग सेंटर ऑल टुगेदर साइड में था, बहुत ही स्पेशियस था, बट एनी हाउ उन्होंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे बाइक शॉप ने सर्विसिंग सेंटर, बट स्टिल देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस जहाँ पे आप देख सकते हो सारी एक्सेसरीज भी है और यहाँ पे इनका छोटा सा वर्क स्टेशन भी है जहाँ पे ये सारा रिपेयरिंग का काम हो जाता है। और हमारा जो टेक्नीशियन है वो समीर है, समीर थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा ये पेडल इंस्टॉल करने के लिए।
सो समीर एक्चुअली इसके थ्रेड भी देख लेना, ये थ्रेड है या नहीं है, इस पर बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, निकल जाएगा ये पूरा निकल ही जाएगा, ये पूरा पार्ट एक्सल अलग से निकल जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी होगा, इसमें ऑलरेडी एक्सल है। ओके ठीक है, बस पेडल है अवेलेबल? हाँ है। अच्छा ओके, सो दिखा सकते हो क्या क्या पेडल्स हैं? ये एक पेडल है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ये एक है फाइबर वाला, फाइबर वाला। तो फाइबर वाला कितने का है? ये 600 का है। और ये वाला एल्यूमिनियम? ये 1050 का है, 1050। और फिर एक दूसरा ये एक पेडल है क्रैंक ब्रदर्स का। अच्छा ठीक है, क्रैंक ब्रदर्स का तो रख दो क्योंकि किड्स के साइकिल के लिए लगाना है तो इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है वो जो एल्यूमिनियम वाला है वो थोड़ा सा स्टर्डी दिख रहा है, थोड़ा रोबस्ट भी है। फाइबर वाला कहीं पे लग गया तो शायद टूट जाएगा फटाफट। ठीक है यही लगा देना। इसका कोई स्पेसिफिक ये कंपनी है या अपना लोकल इंडियन है? इंडियन है, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली पेडल आप घर पे भी चेंज कर सकते हो, बट पेडल हमारे पास था नहीं तो यहाँ पे आके बेसिकली टेक्नीशियन से ही अच्छा खासा इंस्टॉल करवा लेते हैं और आपको भी वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाएगा कि पेडल कैसे एक्सचेंज होता है। नथिंग बट देयर इज वन मैकेनिकल टूल जो वो स्पेसिफिक साइज का आता है, आपके घर पे होगा नहीं। सो बेटर है आप किसी साइकिल शॉप में आना जहां पे ये अच्छा खासा इंस्टॉल हो सकता है। आपने देख लिया कि खाली उसने वो बेसिकली निकाल दिया, रिमूव कर दिया है नट को, एक्सल को पूरा पेडल के। थोड़ा सा लुब्रिकेंट यहां पे लगा देंगे, सो ये भी एक टेक्निक है कि आप खाली पेडल घुमाते रहो और टूल को पकड़े रहो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। मेक श्योर कि थ्रेड प्रॉपर होना चाहिए, थ्रेड कभी कभी क्या होता है थ्रेड क्रॉस होने की वजह से ये आपका स्लिप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थ्रेड मतलब कहां का क्रॉस होने का? अच्छा ओके, जो ये थ्रेड जहां हम पेडल का जो एक्सल हम फिट कर देना, मेक श्योर कि वो थ्रेड प्रॉपर मैच होना चाहिए, तो कभी कभी क्या हो जाता है पेडल आपका ये स्लिप कर देता है क्रैंक आर्म। ओके ओके, तो वो सिर्फ रॉन्ग थ्रेड की वजह से आपका पूरा क्रैंक आर्म चेंज करना पड़ेगा फिर बाद में। ओके थैंक्स समीर फॉर दिस वैल्यू एडेड टिप्स। मतलब ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं बट बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि पूरा साइकिल का अदर जो पार्ट्स होते हैं वो आपके खराब हो जाएंगे अगर आपने इंस्टॉलेशन सही नहीं किया। मतलब आपको देखने में इतना इजी लगेगा कि ये ल्यूब लगा रहा है और बाकी टूल से वो फिट कर रहा है, बट ये जो अभी की बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि थ्रेड सीधा होना चाहिए, अदरवाइज क्रैंक को भी डैमेज आ सकता है। और यहाँ पे आयुष बैठा हुआ है अपनी साइकिल रिपेयर होते हुए देख रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। सो दिस इज समथिंग नाइस कि अपनी साइकिल अपने आंखों के सामने रिपेयर हो रही है। डन? यस डन। थैंक्स समीर, बहुत ही मतलब फटाफट काम कर दिया तुमने, शायद हम घर पे लगाते तो कितना सही कर पाते पता नहीं, बट ये बहुत ही इजी लगा। और ये वीडियो भी छोटा सा था, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए कि पेडल कैसे इंस्टॉल होता है और किड्स के साइकिल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब किड्स तो बहुत ही रफ साइकिल चलाते हैं और कुछ ना कुछ टूटते रहता है, गिरते रहता है। अभी यहां से ही सर्विसिंग करके लिया था साइकिल, बट समहाउ समीर ने पहले सजेस्ट किया था कि ये पेडल आप चेंज करके ले लो, बट मैंने बोला जितना
हो सकता है उतना हम पेडल चला लेंगे बट हार्डली 2-3 वीक्स में ये पेडल टूट गया। सो एक टेक्नीशियन नहीं जानता है कि एक साइकिल में क्या क्या खराबी हो सकती है और आप कब फिर से साइकिल वापस सर्विसिंग के लिए लानी है। वैसे मेरी भी साइकिल बाहर खड़ी है, वो सर्विसिंग को देनी है। मैं समीर को पूछ लेता हूँ, समीर क्या अभी साइकिलिंग के लिए स्लॉट अवेलेबल है सर्विसिंग के लिए? तो अगर आज मैं दे देता हूँ तो साइकिल कब तक मिलेगी? कल इवनिंग में मिल जाएगी। कल इवनिंग में? आज इवनिंग नहीं हो सकता? आज पॉसिबल नहीं, आज का स्लॉट ऑलरेडी फुल है इसके लिए। अच्छा, आज का स्लॉट फुल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं साइकिल एक बार देख लेना मेरी साइकिल बाहर। या सो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। और ये मेरे पीछे जो ब्यूटीफुल साइकिल शॉप है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे प्लेसेस पे आके, मतलब कुछ ना कुछ लेने का मन करता है। हमारे पास सारा सब कुछ होता है बट फिर भी कुछ ना कुछ क्या लू ऐसे आके ढूंढते रहती है। तो अपने पास ड्राइव ट्रेन क्लीनर है? ड्राइव ट्रेन अभी आउट ऑफ स्टॉक है बट विद इन 1 or 2 वीक में आने वाला है इसका स्टॉक। अच्छा ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे वो लेना था, मेरा खत्म हो गया था। सो नेवरदलेस ये था छोटा सा वीडियो, ऐसे ही ये चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजंस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय।